शारदा। मशहूर मुसलमान मुअर्रिख अल-बैरूनी अपनी किताब में शारदा का कुछ यूँ जिक्र करते हैं। श्रीनगर के जुनूब में शारदा वाक़ है। अहले हिंद इस मकाम को इंतहाई मुतबर्रक तसव्वुर करते हैं और बैसाखी के मौके पर हिंदुस्तान भर से लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी का कदीम नाम शारदा पथ है। पथ कदीम संस्कृत जबान से ताल्लुक़ रखता है। इसके लघवी माने ऐसी जगह या नशिस्तगाह के हैं जिसको नहायत तकरीम से नवाजा गया हो। शुमाली हिंदुस्तान समेत अक्सर जगहों पर यह लफ्ज़ आम किस्म के मजहबी इदारों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कंश अव्वल नेपाल के शहजादे के दौर में शारदा वस्त एशिया की सबसे बड़ी तालीमी और तदरीसी दर्सगाह थी। यहाँ बुद्ध मत के बाकायदा तालीम के साथ साथ तारीख, जोग्राफिया, हियत, मंतक और फलसफे पर मुकम्मल तालीम दी जाती थी। इस दर्सगाह का अपना रस्मुल ख़त था जो देवतागिरी से मिलता जुलता था। इस रस्मुल ख़त का नाम शारदा था। इसी मुनासबत से मौजूदा गांव का नाम भी शारदा है। इस इमारत को कंश अव्वल ने 24-27 ईस्वी में तामीर करवाया था। शारदा यूनिवर्सिटी की इमारत शुमालन जुनूबन मुस्ततील चबूतरे की मानंद बनाई गई है। इमारत की तामीर आज के इंजीनियर्स को भी हैरत में डाल देती है। यह इमारत बरसगीर में पाई जाने वाली तमाम कदीमी इमारतों से मुख्तलिफ है। ख़ासकर इसके दरमियान में बनाया गया चबूतरा एक ख़ास फन तामीर का नमूना पेश करता है जो बड़ा ही दिलचस्प है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फिट है। इसके चारों तरफ दीवारों पर नक्शो निगार बनाए गए हैं जबकि जुनूब की तरफ एक दरवाज़ा है। इमारत के ऊपर छत का नाम और निशान बाकी नहीं रहा। ताहम मगरब में अंदर दाखिल होने के लिए 63 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आज भी कुछ कबाइल 63 जेवरात पर मुश्तमिल ताज हाथी को पहनाते हैं और फिर इसकी पूजा करते हैं। 63 का आदद जुनूबी एशिया की तारीख में मजहबी हैसियत भी रखता है। बुनमत के अकायद से मिलती जुलती तस्वीर इसमें आज भी नजर आती हैं। इन अशकाल को पत्थर पे कुरेद कर बनाया गया है। इस इमारत में एक तालाब भी था जो आज मौजूद नहीं है। अमराज जल्द के मुतासर लोग इसमें गुसल करते और शिफा पाया करते थे। नाजरीन, ये हिस्ट्री है शारदा यूनिवर्सिटी की जो मैंने अभी आपके सामने बयान की। जो कि 500 साल पुरानी है और ये कोई शारदा से 10 मिनट की मुसाफत पे है। थोड़ी सी हाइकिंग है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इतनी हाइकिंग भी नहीं है। पूरा ट्रैक बना हुआ है, वो 10 मिनट आए और ये यूनिवर्सिटी है। ऊपर बस ये खाली ये बिल्डिंग है छोटी सी एक, बाकी ये बिल्डिंग के साथ घास वगैरह लगा है, ग्राउंड है। ये यूनिवर्सिटी है इतनी सी। अब हम जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी से वापस शारदा। तो यहाँ पे एक ज़रूरी बात कि जब भी आएँ आईडी कार्ड साथ लेके आएँ। आईडी कार्ड के बगैर यहाँ पे एंटर नहीं होने देते क्योंकि आर्मी के अंडर है। साथ ही आर्मी का कैंप भी है, बाहर भी 2 आर्मी के सोल्जर बैठे हुए हैं। ये साथ दरिया नीलम के अंदर जाके ये गिरता है। ये दरिया नीलम नहीं है, दरिया नीलम आगे है। तो कश्मीर में एंट्री भी आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे, आगे तो हर जगह करते हैं। वैसे कश्मीर में एंट्री पर भी चेक करेंगे, इधर तो जमा करा के अंदर जाना पड़ता है। इसके बगैर आपको अंदर नहीं जाने देता यूनिवर्सिटी के। इसलिए जब भी आएँ अपना आईडी कार्ड साथ लाएँ।